हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसा हो सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। अभी लगभग 11:30 बज गई है और अभी राधा वल्लभ मार्केट में हूँ मैं, खरगोन में। मुझे ना थोड़ा बहुत सामान लेना था घर का, वो लेना है और फिर देखते हैं क्या होता है। बिट्टू तन्नू के लिए भी कुछ लेना है। बारिश तो मिली गई, सोच रहे थे नहीं होगी, होगी होगी और ज़्यादा दूर भी नहीं गए और होने लग गए। ये देखो, अभी हम एक पेड़ के पास रुके हुए, यहाँ पे निकाल लो आप, तुम पहन लो। और क्या, मैं तो रेनकोट लाया नहीं, ये लोग लाए हैं, ये पहन लेंगे। मैं तो फूल आया घर, इनका तो काम हो गया, रेनकोट पहनने को मिल गए। इधर भी मैं फंस गया भाई, मैं फंस गया पानी। ये क्या सीन है? आपने देखा था वहाँ पर बारिश हो रही थी, इन्होंने रेनकोट भी पहना, इसने भी पहन लिया था और मैं तो गीला भी हो गया था। ये देखो, ये सब गीला गीला दिख रहा है। और इधर आके देखा तो बारिश तो है ही नहीं, धूप निकली हुई है यहाँ तो, और मैं तो पूरा गीला हो गया। तो गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है थोड़ी देर आपको बारिश मिली हो फिर बारिश ना मिली हो, और उसमें भी ऐसा हो कि आप भीग गए हो? जैसा मेरे साथ हुआ, मैं रेनकोट लाया नहीं, भीग गया। अगर 5 मिनट रुक जाते तो शायद बच जाता। ये हल्का फुल्का सा छोटा सा पूल है यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ पानी वानी बहते रहता है ऐसा वैसा जैसा। आगे घर, इधर भी कहीं बारिश नहीं है, अच्छी खासी धूप है। ये रास्ते में मिली, वही गीला भी हो गया और सूख भी गया है। तो बिट्टू तन्नू आ गए होंगे स्कूल से। ओहो, खेलते हैं गेट। अरे मम्मी, बारिश हुई पे रास्ते में। हाँ, मैं तो गीला हो गया था। नहीं, गीला है बेटा, देखना नहीं है। गीला हूँ मैं तो, कुछ नहीं है बेटा उसमें। झूठा नहीं है। ए, अरे गीला था, ये देख ये देख ये देख, झूठा नहीं, झूठा नहीं, गीला है। वहाँ पे उमर खली में बारिश मिली। इनको मामा यहाँ जाने की पड़ी है, ऐसा नहीं कि घर रहे हैं। स्कूल गए थे? स्कूल गए थे? नहीं गए। गए थे? मुझे तो भूख लग रही है मम्मी, कहीं बनाया है कि नहीं, कहीं खाना? उड़द की दाल है, भूख लग रही है मेरे को तो बहुत खतरनाक। उड़द की दाल पराठे बनाया है? नहीं यार, पराठे चलो मैं खा लेता हूँ, मम्मी दूध गर्म कर देते हैं। टिफिन चेंज हो गया? कौन ले गया आपका टिफिन? एक बार भी ऐसा होता ना, इनका टिफिन पता नहीं कौन ले गए थे, फिर दिया ही नहीं आपने। अपना टिफिन अपना संभाल के रखना, जैसे कैसे चेंज हो जाएगा? अपना अपनी सामान ध्यान से रखना चाहिए। नई वाली टी शर्ट पहनी था, देखा कैसी लग रही, अच्छी लग रही। और ये जैसे ही, और ये जैसे ही घर आता है ना तो पता है मम्मी को पूछता है, मम्मी चाय बनाए? चाय है, चाय। इनको सिर्फ चाय चाहिए। आज फिर हमारे साथ सेम वही हुआ, रास्ते में बारिश आने लग गई है। अब कल जैसा ही सीन हो गया, बट कल मैं ऐसा था कि कल मेरे पास रेनकोट नहीं था, आज मेरे पास रेनकोट है और बारिश फिर से शुरू हो गई है। देखो टक्कर वाले भाई साहब भी रुक गए यहाँ पे। तो अभी बारिश ना थोड़ी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसमें हम थोड़ा कन्फ्यूज है कि रेनकोट पहने या ना पहने। पहनने तो निकल सकते हैं। ये बड़ा पोपट हो गया। हाँ, ये बता अगली बार कैसे पोपट हुआ था? थोड़ी दूर तक बारिश लगी, उसके बाद एकदम सूखा सूखा धूप निकल आई थी, सेम वैसा हुआ। सब हमको देख रहे गांव में से। पहन ही लेते हैं। मैंने जैसे ही रेनकोट पहना वापिस से पोपट हो गया, बारिश बंद हो गई, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। ये इसने पहना ही नहीं था, मैंने पहन लिया था और बारिश बंद हो गई। अब आगे और मिल सकती है, इस वजह से अभी फटाफट निकलते। यार देखो मौसम कितना अच्छा लगता है बारिश के मौसम में। बस अपन फोर व्हीलर के अंदर हो, कार हो कोई सी, सही है, आएगा वो दिन भी। भाई साहब इसका पोपट हो गया। आगे हो रही है बारिश, हल्के फुल्के से जो भी है, चलती गाड़ी में तो बारिश लगेगी ही, पानी लगेगा ही। तो फाइनली गाइस घर आ गया हूँ मैं, और यहाँ आकर देखा हमारे इधर बारिश नहीं है, ठीक ठाक मौसम है। थोड़ा बहुत सामान लाना था वो ले लिया, और वैसे टाइटल थंबनेल सब लोगों को पता चलेगा क्या लिया है। इसको तो देखो, ये काहे की अनबॉक्सिंग कर रहा पता है? देखा, ये दोनों के लिए मैंने ब्रश लिए क्योंकि इनके दांत बहुत खराब हो रहे हैं। ये एक ब्रश इसका,
इन दोनों के लिए। और किस तरह के देखो, ये खिलौने टाइप है, देखो ये खिलौना भी है, मैच कर रहा है। हाँ प्रेस है, प्रेस कपड़ा में। छोटी वाली बड़ी वाली क्या प्रेस प्रेस ही होती है। ये प्रेस 600 रुपए की मिली, 2 साल की गारंटी थी, मतलब खराब हो जाए तो आप ही चेंज कर देंगे वो। सिर्फ जो हाँ जिस जो इसके वायर रहते ना, पिन रहते ना, उसकी कुछ नहीं है, बाकी इसमें कुछ भी हो जाए मशीन में तो 2 साल की है। मेरे पापा को प्रेस का मतलब बिना प्रेस के कपड़े तो नहीं चले, मतलब हम जब छोटे छोटे थे बिल्कुल समझे थोड़े बड़े थे तो मतलब ऐसे प्रेस तो नहीं थे हमारे घर, ऐसा था कि प्रेस करवाने के लिए हमको मार्केट जाना पड़ता था, पापा के कपड़े ले जाते थे तो बिना प्रेस के पहनते थे ना, कुर्ता पजामा पहनते थे, मतलब ऐसे सिंपल कपड़े नहीं पहनते थे मेरे पापा ने कभी जींस नहीं पहनी, ऐसे फॉर्मल नहीं कभी पहने, सिर्फ और सिर्फ वो कुर्ता पजामा पहनते थे। तो आज देखो हमारे यहाँ प्रेस लेके आ गया मैं, वैसे तो मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि इससे पहले कभी ली नहीं है, इससे प्रेस कैसे क्या करते वो तो मुझे यूट्यूब पर सर्च करके देखना पड़ेगा, तो हम कर सकता है शायद कभी खोलते इसको, तनु का तो चेहरा ही नहीं दिख रहा था। ये मंजन थोड़ी ना, इसको ब्रश बोलते हैं। ये मशीन खुल जा भाई, सब खुल जा, मैं के लिए और कॉपी लेके आ, गिनती वगैरह लिखने के लिए बिट्टू है ना, जो पहाड़े वगैरह रहते हैं ना ये वाली कॉपी डब्बे डब्बे की, देखो खोल इस पे एबीसीडी, हाँ इसमें एबीसीडी वगैरह, हाँ और डब्बे में गिनती लिखते हैं, डब्बे में गिनती लिखते। ये लोग आज जाएंगे मामा के घर जाएंगे ये, इसीलिए मम्मी अभी खाना बना रहे हैं जल्दी, इनको जाना है मामा की। रोटी बना लो, ठीक है बना दो बना दो। रोटी बनाने की थोड़ी दिक्कत होती है ना, वरना मम्मी तो मामा के 8-10 दिन तक चले जाए रहने के लिए। हमारे इधर आते टाइम बिल्कुल बारिश नहीं थी, और अभी अचानक मौसम चेंज हो गया, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये देखो बारिश होने लग गई, ये मम्मी बिट्टू तनु मामा यहाँ जाने का सोच रहे थे, हर बारिश ही होने लग गई, अब किसी के जाएंगे बच्चे जात लेंगे, वो वहाँ खिड़की भी है। कहाँ खिड़की है? हाँ बस में हम जा सकते हैं। हाँ ये रुक जाएगा पान तब जाएंगे। वेरी गुड, हाँ ठीक है ठीक है। दादी का हाँ बरस करा। हाँ मम्मी ये तो पानी आने लग गया, आप कहाँ चले गए? कहाँ गई थी? जरा वहाँ गई थी। मम्मी को कभी पूछे मम्मी कहाँ गए थे, हाँ जरा वहाँ गई थी, इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसे आसपास के। पोल को लेने पोल को क्या लेने? पोल को, तो पोल को मतलब ब्लाउज को हमारी निमाड़ी भाषा में पोल को बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। कुछ मिनट के लिए बारिश हल्की फुल्की सी रुके, आगे जा रहे हैं मामा के यहाँ, 1-2 दिन में आएंगे तब तक खाना वाना सब बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। ये प्रॉब्लम होती है, मम्मी कभी बाहर जाती है तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है। दोनों बदमाश तैयार हो गए, इनको इन दोनों को बड़ी जाने की दिल रहती है इन्हीं दोनों को, और यही जीत करके मम्मी को ले भी जा रहे हैं। जब से बोला है ना कि हाँ लेके जाऊंगी, मम्मी ने बोला इनको कि लेके जाऊंगी, तब से परेशान, स्कूल भी आज नहीं गई है, उसी चक्कर में मुझे अभी पता चला, जैसे मैं आया ना खरगोन से तब जाके पता चला, स्कूल तो भेज देना था। खड़े हो तो दोनों के दोनों शैतान, और उधर ही रहनी छोड़ी, कूद गई, ऐसे कूदा गाती नहीं करना बेटा, चोट लग जाएगी ना। अभी कमल लेके जा रहा है, छोड़ के आ जाएगा, नहाया नहीं रहा तूने कल से, ये टी शर्ट पहन पहन के घूम रहा, वैसे अच्छी लग रही तेरे पे टी शर्ट, अरे बेकार लग रहा, इन मत कर बेटा, इन मत करे, इन में अच्छा नहीं लग रहा, चप्पू लग रहा यार बेटा, चप्पू आने लग गया। वैसे भी बस से जाएंगे क्योंकि मौसम थोड़ा खराब रहता है ना, तो बाइक से जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, भीग सकते हैं जैसे। बाय बाय। तो मम्मी बेटे तन्नो तो गए, मामा आया, और हल्की फुल्की बारिश फिर से आने लग गई। देखो ऐसे अभी जस्ट मैंने इस ब्लॉग की एडिटिंग करी, आपने तो ब्लॉग में देख ही लिया, मम्मी बिट्टू तन्नो मामा के यहाँ गए, और अभी शाम भी हो गई है, खाना बनाना पड़ा था, खाना तो बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, चावल बनाया उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, सब्जी बनाई उसमें भी नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी कमल खा रहा है,
ये निकाल के ले आया, टेस्ट करके पता कैसा बना, चावल हुए कि नहीं, ये सब खारा ही खारा है। खारा लग रहा थोड़ा बहुत, चलेगा। तीखा रे, पर लग कैसे रहा? अच्छा तीखा रे। ओ भाई साहब चावल में भी नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में भी ज्यादा हो गया। मैंने सोचा सिंपल से खाना बना लेते दाल चावल, लेकिन ये भी ऐसा हो गया। मम्मी अगर ब्लॉग देख रहे तो जल्दी आ जाओ ऐसा ही होता है। और गाइस आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए बताना आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे क्या लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्ट इंस्टा पर सर्च भी कर सकते हो, संतोष रोकड़े 143 मेरी स्टडी आ जाएगी, वहाँ पर भी अपना प्यार देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।